मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर AFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों आज अध्ययन करेंगे वीकॉम पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। आज अध्ययन करेंगे ग्रामीण विकास की व्यूह रचना, यानी गांवों का विकास करने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसी ग्रामीण व्यूह रचना तैयार करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यार्थियों ग्रामीण विकास एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें कृषि का विकास, आर्थिक व सामाजिक उन्नति के आधार की तैयारी, ग्राम नियोजन, भूमिहीनों के लिए उचित मजदूरी, जन स्वास्थ्य व शिक्षा, समन्वित ग्रामीण विकास, संचार, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर निकट समन्वय द्वारा आर्थिक विकास तथा ग्रामीण निर्धन लोगों का उत्थान। इन विशेष कार्यक्रमों में खास बात यह है कि कमजोर वर्ग के लोगों की ओर से दिया गया है, जिसका उद्देश्य केवल विकास के लिए प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का सुनियोजित व्यवस्था से जोड़ना होता है। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना से तात्पर्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं से हैं, जिनका उद्देश्य कम से कम समय में गांवों का समन्वित विकास करना तथा ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त करना होता है। इंडिया में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को इस प्रकार बनाया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, मुख्य रूप से गरीब लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार हो सके। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को तीन भागों में बांटकर अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहला है पॉलिसीज, सेकंड है ग्रामीण कार्यक्रम, थर्ड है सुविधाएं। इन तीन कैटेगरी में बांटकर अगर हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले है ग्रामीण विकास संबंधी पॉलिसीज। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक की शुरुआत से पूर्व भारत में कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय माना गया तथा ग्रामीण विकास के लिए कोई विशेष नीति अपनाकर कार्यक्रम नहीं चलाए गए। सरकार ने देश आजाद होने के बाद ये महसूस किया कि कृषि का विकास होने पर ग्रामीण विकास स्वतः ही हो जाएगा, लेकिन सरकार ने अन्य नीतियों की तरह कृषि के संबंध में कोई स्पष्ट व प्रत्यक्ष नीति घोषित नहीं की। लेकिन सरकार ने कृषि विकास के लिए समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्हीं कदमों को कृषि नीति के रूप में देखा जा सकता है। कृषि नीति में कृषि की प्रमुख प्रणाली, भू स्वामित्व व्यवस्था, कृषि तकनीक, कृषि क्षेत्र में विनियोग, उत्पादकता, कृषि उत्पादन की मात्रा, कृषि वस्तुओं के मूल्य, सरकार की न्यूनतम मूल्य नीति, भंडार व्यवस्था, कृषि वित्त विपणन व्यवस्था तथा कृषि में नवीन विधियों के प्रयोग संबंधी बातों को सम्मिलित किया जाता है। अब ग्रामीण विकास कार्यक्रम वो कौन से कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का
सर्वाधिक विकास हुआ? ग्रामीण विकास की व्यूह रचना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवी योजना तक सामुदायिक विकास, सहकारिता, समाजवाद, भूमि सुधार, हरित क्रांति, लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया। जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों पर बल देकर ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया। लेकिन छठी व सातवीं योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों में प्रमुख है अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, गरीबों को छप्पर योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युत कनेक्शन और विसूत्री कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी नरेगा जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। संक्षिप्त रूप में इन पॉइंटों के बारे में विद्यार्थियों अपन अध्ययन करेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भारत सरकार ने 1978 एंड 79 में गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास के लिए नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संज्ञा दी गई, यानी समन्वित ग्रामीण विकास नाम दिया गया। 1 अप्रैल 1999 से IRDP का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर दिया गया तथा इसके सभी सहायक कार्यक्रम IRDP को प्रारंभ के चुने हुए विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। लेकिन 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर उठाना था। नेक्स्ट प्रोग्राम है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उन इलाकों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया गया जो भयंकर सूखे की स्थिति से निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। परिस्थिति जन्य संतुलन फिर स्थापित करने के लिए लंबी अवधि के उपाय अपनाने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। इसके अनुसार भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग करके ये संतुलन फिर स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर समन्वित विकास करके और समुचित प्रौद्योगिकी अपनाकर फसलों और पशुधन के उत्पादन तथा भूमि की उत्पादन शक्ति में जल तथा मनुष्य के सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना होता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम चलाया गया वह है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। 1977 एंड 78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रोग्राम के थे, रेगिस्तान के इलाकों में रेगिस्तान को बढ़ावा रोकने के लिए रेगिस्तान नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ
केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य संबंध कार्यक्रमों को मिलाना और भूमि जल प्रसा सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विकास और उपयोग करके लंबी अवधि में पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट प्रोग्राम है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1979 से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 35 वर्ष के युवकों को स्वरोजगार ढूंढने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल व तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम केंद्र द्वारा आयोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1980 से प्रारंभ किया गया। इसका खर्चा केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आधा आधा वहन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए, जो इस प्रकार है, लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना, स्थायी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना, गांवों में बड़े ग्रामीण लोगों के पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 1983-84 में प्रारंभ किया गया। इसमें ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाना और उसका विस्तार करना, जिसके लिए भूमिहीन मजदूरों के परिवार को कम से कम 1 सदस्य को साल में 100 दिन का काम अवश्य मिल सके, गांव में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्थायी संपत्तियां बनाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो है जवार रोजगार उद्देश्य। एक अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण रोजगार का एकल कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना की संज्ञा दी गई। उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर रोजगार योजना के पुनर्गठन करके इसे 1 अप्रैल 1999 से नया स्वरूप दिया गया। इस कार्यक्रम का नाम जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य था आर्थिक ढांचे में स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना, पूरक रोजगार का सृजन करना, मजदूरी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों को भी रोजगार देना होता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 1993 से रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम देश में 1772 से पिछड़े हुए विकास खंडों में शुरू किया गया। इस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया। 10 लाख की स्कीम लॉन्च की गई। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले STSC बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। इस
योजना को गैर अनुसूचित जाति जनजाति वाले गरीब लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया।